वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट नेक्स्ट मंथ में मेरे एग्जाम भी हैं और मेरे कॉलेज वगैरह भी खुल चुके हैं, इसलिए मेरे को ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। ओनली 15 डेज है, उसके बाद तो फिर से पहले की तरह 2 या 3 वीडियो आएगी डेली, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। और एक गुड न्यूज भी है कि सिर्फ 4 एपिसोड रह गए हैं सीजन 1 खत्म होने में, इसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आस्था यूनो की न्यू फॉर्म देखने को मिलेगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। Scissors, go my shots, making killing blows. I've got patience, rhythm flow so hard I'm breaking villains' bones. I'm bringing my ninnies, a minute with killer whip with me. I won't be a quitter, my vigor is big as a sinner. So kills I consider the rashes before I deliver. कैप्टन यामी खड़े होते हैं, पंडित बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। कैप्टन यामी बोलते हैं मैं ऐसे ही नहीं बैठ के देख सकता हूँ, और उस पे अटैक करते हैं, बट उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइज ऑफ द मिडनाइट सन का मेंबर बोलता है कि ये सब बेकार है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैप्टन यामी उस आदमी से बोलते हैं कि मुझे बाहर निकाल, बाद में रोइयो मत, तेरे को सुनाई दे रहा है। सेकंड सीन में वैनिसा दिखाई जाती है जो मिडनाइट सन के एक मेंबर से लड़ रही होती है। वो आदमी वैनिसा पे बहुत सारी सुई से अटैक करता है, बट वैनिसा उन सभी से बच जाती है और अपने धागे की मदद से उसे पकड़ने लगती है, बट वो वहाँ से बच जाता है और उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। बट वैनिसा उन सभी अटैक से बच जाती है, वो आदमी उस पर बहुत सारे अटैक करता है जिससे हर जगह पे बहुत सारी कील लग जाती है। वैनिसा उसको अपने धागे की मदद से पकड़ने वाली होती है, तभी वो अपना स्पेल पड़ता है जिससे उन सभी सुई में से बहुत तेजी से आवाज आने लगती है, जिससे वैनिसा उस पर अटैक नहीं कर पाती है, उसके धागे टूटने लगते हैं। वो आदमी वैनिसा से बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और अपना दूसरा स्पेल पड़ता है मॉस्किटो मैजिक माना सकर। उस आदमी के हाथ में मॉस्किटो जिससे खून चूसता है वैसे कुछ आ जाता है और बहुत स्पीड में भागते हुए जाता है, वो वैनिसा पे अटैक करता है, बट वैनिसा डॉच कर लेती है। वो आदमी लगातार वैनिसा पे अटैक करता है, मगर वैनिसा सभी से बचने लगती है। उसके बाद वो आदमी एक जगह पे खड़े हो जाता है, बोलता है भागना बेकार है, उस पे एक अटैक करता है। अचानक से उसका हाथ थोड़ा आगे बढ़ के रुक जाता है और वो बोलता है कि मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा है। वैनिसा बोलती है क्या सिर्फ हाथ, उसके बाद दिखाया जाता है उसके हाथ पैरों के अंदर धागे से बंधे होते हैं जिससे वो हिल नहीं पाता है। वैनिसा उस आदमी से बोलती है कि पास आने के लिए शुक्रिया, तुम मेरे पास आए तभी मैं तुम्हें पकड़ पाई, दूर से धागे टूट रहे थे साउंड की वजह से। वैनिसा अपनी ग्रीमोन निकालती है और एक स्पेल पड़ती है थ्रेड मैजिक डांसिंग डॉल, और उसको अपने धागे की मदद से नचाने लगती है। उसके बाद वैनिसा उसके हाथ को उसके चेस्ट पे लगा देती है जिससे वो सारा माना सोख लेता है और धीरे धीरे करके बूढ़ा होने लगता है। उसकी सारी मैजिक पावर उस डंडी के अंदर चली जाती है, वो गिर जाती है। वैनिसा बोलती है जितना मेरा माना खर्च हुआ उतना तो वापस लेना पड़ेगा, उस डंडी को तोड़ देती है जिससे सारा मैजिक उसके अंदर वापस चले जाता है। उसके बाद वीटो दिखाया जाता है जो आस्था से बोलता है कि बच्चे तुम अभी तक खड़े हो ये तो कमाल है, मगर सब कुछ बेकार है बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाएगा क्योंकि मेरे पास अनंत माना है। नोल आस्था से बोलती है कि तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए। आस्था नोल से बोलता है कि कोहना ने अपनी बची हुई शक्तियों से मुझे हील कर दिया है। जब वीटो ने कोहना को आस्था की तरफ फेंका था तो वो धीरे धीरे करके गाना गा के उसे हील करने लगी थी। हमें इसे कैसे भी हराना होगा, वीटो और कोहना को हील करना होगा, और इसका हाथ वापस हील हो चुका है। आस्था नोल से बोलता है तुम्हारे पिछले हमले से मुझे हिम्मत मिली, और उसके सिर पे हाथ रख के बोलता है तुम सच में कमाल हो। आस्था अपना हाथ हटा लेता है और पीछे मुड़ के कहता है अब बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। फिर हमें पिंडल दिखाया जाता है जो एक पत्थर के पीछे छुप के देख रहा होता है। पिंडल बोलता है ये आस्था क्या बकवास कर रहा है, मुझ पे छोड़ दो, अपनी हालत देखी है इसने, इस हालत में आस्था क्या कर सकता है वो भी इतने ताकतवर इंसान के सामने। पिंडल को नेट्स की बात याद आती है, नेट्स बोलता है कि ये देखो ये है 3 आइज और ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। पिंडल बोलता है ये आइज ऑफ द मिडनाइट सन के लीडर से भी ज्यादा ताकतवर है, सभी लोग मिलके भी इसे नहीं हरा पाए, हम क्या कर पाएंगे अब। पिंडल वहाँ से जाने लगता है, अचानक से वो पीछे मुड़ के लक और मैग्मा को देखने लगता है। पिंडल बोलता है नहीं नहीं मैं इनको नहीं बचा सकता हूँ, इसने खुद ने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, इस गड्ढे से मैं बाहर निकल जाता हूँ, कम से कम मैं तो बच पाऊंगा। वीटो आस्था से बोलता है अब तुम क्या करोगे बच्चे, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। आस्था बोलता है एक आंख क्या मिल गई, हवा में मत उड़ो ज्यादा। पिंडल बोलता है यहाँ से भाग जाओ आस्था, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। आस्था वीटो से बोलता है तुमने मुझसे कहा था ना कि कभी हार ना मानना, ये मेरी कमजोरी है, यही मेरा इकलौता हथियार है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी भी
भाई। वीटो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है ये क्या तुम्हारी ताकत है, इसे तुम ताकत बोलते हो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें असली ताकत क्या होती है। तुम्हें हराने से पहले मैं इन कचरे को साफ कर दूं पहले। वीटो अपना स्पेल पढ़ता है मैथिकल बीस्ट मैजिक। वीटो के पीछे एक रिंग आ जाती है जिससे उसके अंदर से बहुत सारी कीले से निकलती है और इन सभी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। अचानक से एक धागा आता है जो वीटो को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, वीटो हिल नहीं पाता है। लक मैग्मा को ना वीटो को अपने धागे की मदद से बचा लिया जाता है। पीछे से एक आवाज आती है, जितना कैप्टन यामी ने बताया था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम तो उम्मीद से ज्यादा बदसूरत हो, इससे अच्छा होता है कि मैं दारू पी के सो जाती। वेनिसा को देख के आस्था और खुश हो जाते हैं। वेनिसा आस्था से बोलती है कि मेरे आने तक तुमने हार नहीं मानी, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी अब आस्था। मैं हमेशा सोचती थी कि सभी लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं, अब पता चला क्योंकि तुम हार नहीं मानते हो, है ना कैप्टन। कैप्टन यामी बोलते हैं वेनिसा तुमने सही कहा। नोज लक मैग्मा अपनी लिमिट से आगे निकल चुके हैं। वीटो बोलता है कभी हार ना मानने वाला हथियार बकवास। वीटो वेनिसा के धागों को तोड़ देता और बोलता है कि मुझ जैसे ताकतवर को ये छोटे मोटे धागे रोक सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है एक और कीड़े के आने से तुम क्या मुझे हरा लोगे। और अपना स्पेल पढ़ता है मैथिकल मैजिक बीस्ट और उसपे से एक लाइटनिंग सी निकलती है। आस्था अपनी तलवार से उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है मगर उससे पहले ही आस्था के सामने एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर उसका अटैक चले जाता है और दूसरा पोर्टल वीटो के पीछे खुलता है और वीटो के ऊपर वो अटैक चले जाता है, बट वीटो उसको रोक लेता है। वीटो बोलता है एक और चूहा छुपा बैठा हुआ है। फिंडल बोलता है तुम सब लोग बहुत अजीब हो, मेरे जूनियर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे सीनियर होने का फर्ज अदा करना होगा। फिनरल मन में बहुत डरा होता है और बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं मरने वाला हूँ। सभी लोग फिनरल को देख के बहुत खुश होते हैं। वेनिसा बोलती है डरपोक फिनरल आखिरकार तुम आ ही गए। फिनरल बोलता है मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ, मन में सोच रहा होता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है मैं क्या करूँगा। वीटो बोलता है तुम सब तो कीड़ो नहीं कीड़ो से भी ज्यादा गए गुजरे हो, चाहे कितने भी आ जाओ मेरा बाल तक बाका नहीं कर पाओगे। वेनिसा नोल से बोलती है कि अपने मैजिक से सभी को प्रोटेक्ट करना, हमें तुम पे भरोसा है। वेनिसा वीटो को देख के बोलती है ये सच में बहुत ताकतवर है। फिनरल से बोलता है तुम ये नहीं देख पा रहे होंगे। आस्था बोलता है हाँ मैं इसे नहीं देख सकता हूँ मगर मैं इसकी की महसूस कर सकता हूँ। वेनिसा बोलती है अगर इसका एक भी हमला हमारे ऊपर पड़ा तो हम मर सकते हैं। फिनरल बोलता है अभी से मरने की बातें मत करो, मुझे रोने का मन कर रहा है। वेनिसा फिनरल को कोनी मारते हुए बोलती है तुम अगर जिंदा रहे तो तुम मुझे गले लग सकते हो और मेरे सीने पे सिर रख के भी रो सकते हो। ये सुन के फिनरल बहुत जोश में आ जाता है, उसकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। वेनिसा अपने धागों से आस्था के हाथ को उसकी तलवार से बहुत टाइट बांध देती है जिससे वो छूटे नहीं। वेनिसा बोलती है छोटे मोटे अटैकों से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी मैजिक ही हमारा रियल हथियार है, अपनी पूरी ताकत लगा दो आस्था, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। वीटो अपना स्पेल पढ़ता है मैथिकल बीस्ट मैजिक। वेनिसा और फिनरल बोलते हैं चलो अभी। वीटो आस्था के ऊपर अटैक करता है बट आस्था वहां से बच जाता है। फिनरल अपने पोर्टल को वीटो के बगल में खोलता है, वीटो का अटैक उसके ऊपर वापस जाता है बट वीटो उसे एक हाथ से रोक देता है। वीटो बोलता है ये एक इंसान है मगर ये फिर भी बहुत तेज है और मेरे हमले एंटी मैजिक को छू नहीं सकते हैं और वो अपने पोर्टल की मदद से मेरे हमलों को मेरे ऊपर वापस कर रहा है तो मुझे पास से लड़ना होगा। वीटो उस पे अटैक करने के लिए आता है बट आस्था वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वीटो के पीछे एक पोर्टल खोलता है, उसमें से आस्था निकलता है वीटो को मारने के लिए मगर वीटो को देख लेता है और आस्था पे एक पंच मारने वाला होता है। तभी वेनिसा अपने धागे से आस्था को बचा लेती है। वीटो बोलता है कि इसके धागों ने इसकी डायरेक्शन बदल दी। वीटो फिर से भागते हुए जाता है और आस्था पे अटैक करता है बट फिनरल अपने पोर्टल की मदद से आस्था को बचा लेता है। तभी वीटो के पीछे एक पोर्टल खुलता है, वीटो उसके देख और उसके अंदर मुक्का मारता है मगर उसके अंदर से एक पत्थर निकलता है। अचानक से वीटो के नीचे से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से आस्था उस पे अटैक कर देता है। वीटो का गाल कट जाता है। आस्था बोलता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा इस हथियार से। तो ये एपिसोड होता है यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।